गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? आई होप सभी लोग अच्छे होंगे और आप सभी लोगों को शुभ प्रभात। तो आज का ब्लॉग हम यहीं से स्टार्ट करते हैं। मॉर्निंग हो गई है मेरी, बट खुशबा जी और लल्ला दोनों भी सो रहे हैं अभी। और देखिएगा बाहर का व्यू कैसा लग रहा है। तो चलेगा, हम अपने काम पर लग जाते हैं और स्टार्ट करते हैं आज का ब्लॉग। खाना बनाना है, तो खाने में क्या बनाना है, सब्जी लेके आए हैं पुष्पा जी और फटाक से देखते हैं क्या बनाना है और फिर लग जाते हैं अपने काम पर। गाइस, उठने का मन नहीं हो रहा था, 1 बजे सोई थी और अभी उठ गई 6:30 बजे। तो उठने का मन नहीं हो रहा था, लेकिन अगर नहीं उठती ना 7 बज जाता या 7:30 बज जाता तो कुछ बजे लेट हो जाते हैं। तो क्योंकि सब्जी कट करनी है, अगर सब्जी रात में ही कट कर लेते तो ठीक था, लेकिन अभी सब्जी कट करनी है तो नींद को त्यागना पड़ा। तो चलिएगा सब्जी कट कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं लगा रही हूँ झाड़ू और आधा काम मैंने कर लिया था, जो कि आपको आगे पता चलेगा क्या कर लिया था मैंने। क्योंकि यार फिर भी देखो 7 दिख रहा है ना, सामने 7 बजने को आया है और उधर वो लोग सोए हुए थे तो फैन वगैरह चल रहा था, इस वजह से हमने नहीं किया। किचन में हमने झाड़ू लगा लिया और पोछा तो हम देखेंगे अभी थोड़ी देर से लगा लेंगे, लगाएंगे तो लगाएंगे, नहीं तो कोई ज़रूरत नहीं है। कल मैंने अच्छे से फिनाइल से लगाया था पोछा, शनिवार था। और ये मैं अब किचन साफ कर लेती हूँ, रात को ही साफ कर देती हूँ, बट कभी कभार कॉकरोच 1-2 आ जाते हैं। तो अब मैं ये पानी गर्म कर लेती हूँ और आज पूरा रूटीन मिलेगा आपको, मैं कैसे हैंडल करती हूँ लल्ला को, लल्ला के पापा को और काम को, तो सब देखने को मिलेगा। तो ये सुबह रात के 2-4 ग्लास पड़े हुए थे और ये रोटियां जो थी वो ख़त्म हो गई थी, तो वो भी धो लिया हॉटकेस। और ये सब्जी लेके आए थे खुशबा जी, तो मैं ना सब्जी ऐसे ही धोती हूँ, एक एक करके ही धुलती हूँ, चाहे कितनी भी सब्जियां हो, सेमी वगैरह कुछ भी हो, एक एक करके ही मैं धुलती हूँ। तो ये शिमला मिर्ची लेके आए और ये हरी मिर्ची पता नहीं क्यों ले आए हैं, क्योंकि इनके तो मिर्च पकौड़े ही अच्छे लगते हैं, बाकी तो पता नहीं। तो ये पानी मेरा खौल चुका है और अब मैं इसको थोड़ा सा शिप शिप करके पीऊँगी और ये तब तक मैं मिर्ची काट लेती हूँ, थोड़ी सी ही लेके आए हैं। और पता है मुझे ना, ये आलू में डाल के मिर्ची अच्छी लगती है, मतलब आलू भर के और जब उसको फ्राई करते वो अच्छी लगती है, लेकिन ये 5 ही लेके आए थे तो मैंने कहा इनके लिए ही बना देती हूँ, तो इनको तो कट करके अच्छी लगती है। तो मिर्ची वगैरह कट हो गई और अब मैं थोड़ी सी एक्सरसाइज कर लेती हूँ, छत पे भी थोड़ी सी की थी। पेट देखो कैसे हिल रहा है मेरा, क्योंकि स्पीड में चल रही है वीडियो इस वजह से। तो थोड़ी सी कपालभाती कर लेती हूँ, 5 मिनट, ज़्यादा नहीं कर पाती हूँ। और एक्सरसाइज भी नहीं हो रही थी क्योंकि मैंने एक दिन अच्छे से कर ली थी शुक्रवार को, तो मेरे पैर दुख रहे हैं अभी, लेकिन हाँ ये है, हैबिट में आ जाएगा, आ जाता है हैबिट में और फिर चला जाता है। ये देखो नाड़ा कुछ बजी का लटक रहा है, ये एक्वागार्ड से पानी निकाल रहे थे, मैं बोल रही थी गर्म रखा है पानी वो पी लो, तो बोलते मुझे ज़्यादा लगता है पानी। तो मैं उनकी तरफ घूर रही थी, मैंने कहा जब सुबह पानी दे दो तो फिर इनके नखरे रहते हैं गर्म करके, तो ठंडा चाहिए, ठंडा दे दो तो गर्म। और फिर इधर मैं अयांश को बुला रही थी, लल्ला बाहर आओ, तो लल्ला सुबह सुबह नखरे कर रहा था, उठ ही नहीं रहा था। और ये आटा लगा के तक 1-2-3 सुनाओ बच्चा, फटाफट से सुनाओ, वीडियो बन रही है। हाँ,
उसके बाद गाइस ये मेरी रोटियां बन गई थी, और पता है एक रोटी मेरी जल गई थी। मैं अयांश को देखने गई थी, वहाँ रो रहा था और कुछ बजे नहा रहे थे, तो मैं देखने गई तब तक रोटी जल गई। तो ऐसा ही हो जाता है कभी कभी। और अब मैं ये शिमला मिर्ची छोंक देती हूँ, दाल भी बनाऊंगी लेकिन दाल बना लूंगी बाद में, क्योंकि ना अभी दाल बनाएंगे तो कुछ फ़ायदा नहीं है, क्योंकि बनी नहीं पाएगी जल्दी से, तो शिमला मिर्ची ही दे देंगे उनको। और अब मैं इसका टमाटर और ये प्याज डाल के लगा देती हूँ तड़का। इसमें सिंगदाने भी डालते हैं यहाँ के लोग, लेकिन मैं नहीं डाल रही हूँ, क्योंकि उनको ना ग्राइंड करना पड़ेगा, पीसना पड़ेगा, तो इसलिए टाइम नहीं है। और जल्दी से फटाक से बना देती हूँ, और एक जादू आपको दिखाऊंगी, बिल्कुल एक बूंद पानी नहीं डालूंगी और पूरी शिमला मिर्ची गल जाएगी, क्योंकि ऑलरेडी इसमें पानी होता है, तो अगर पानी डालेंगे ना तो ये पानी जैसी हो जाएगी, बेस्वाद हो जाएगी। तो बिल्कुल ऐसे ही मैंने ढक दिया है और 10 से 15 मिनट में ये उबल जाएगी, मतलब बन जाएगी। और ये मैंने रोटियां लगा दी हैं, कुछ बजे का टिफ़िन और दो रोटी निकाल के रख दी उनके लिए खाने के लिए, अगर नाश्ता लगेगा उनको तो ठीक है, अदरवाइज कोई बात नहीं। लौकी ले आए थे, टमाटर, अदरक और बैंगन, तो आलू तो ख़त्म हो गए हैं, तो मैंने कहा अब आलू लेके आओगे जब भी बैंगन बनाएंगे, तो ये बैंगन वगैरह अदरक वगैरह धुलने में बहुत टाइम लगा। अदरक सबसे ज़्यादा धुलने में टाइम लगता है यार, क्योंकि ना मैं बारीकी से धुलती हूँ, उनके जो चिपके पार्ट्स होते हैं ना तो उनमें मिट्टी होती है, और ये पटा बिलना भी मैं तुरंत का तुरंत धुल देती हूँ, क्योंकि ना फिर पड़ा रहता है तो आलस आता है, और यार करना तो अपन को ही है ना, चाहे अभी कर लो चाहे बाद में कर लो, कोई साथ का होता है तो चलो ये लगता है कि ठीक है वो कर देगा। और अब मैं क्या करूँगी, हमारी सब्जी रेडी होगी तो सबसे पहले इनका हम टिफ़िन लगा देंगे। ये देखिएगा सब्जी, और सब्जी बन चुकी है बिना पानी की, और अब मैंने लगा दिया इनका टिफ़िन लगा दिया गाइस। तो अब इसके बाद हमारा काम है, आगे ब्लॉग देखिएगा और इन्जॉय करिएगा। गाइस खाना पीना तो बन गया है, और अभी दाल बनाएंगे, दाल हम अभी बना लेंगे या फिर थोड़ी देर में बनाएंगे, क्योंकि वो शाम को ही कुछ वजह खाएंगे, अभी थोड़ी सब्जी है तो उससे खा लेंगे, और देखते हैं कुछ नाश्ता का पूछते हैं, नाश्ता अगर खाएंगे तो बनाएंगे, नहीं खाएंगे तो कोई बात नहीं, क्योंकि हमारा तो ऐसे ही चलता रहता है। तो अभी हम लग जाते हैं अपने दूसरे काम पर, है ना। तो कपड़े मैंने धुल लिए थे, सुबह उठ के ही कपड़े धुल लिए थे, क्योंकि ना ज़्यादा धूप तेज़ नहीं है ना, तो इस वजह से मैंने कहा बाथरूम में ही निचोड़ जाएंगे कपड़े, मशीन अभी काम नहीं कर रही है इस वजह से, और मशीन संभलवाएंगे थोड़े दिनों बाद, अभी इतना ज़्यादा ज़रूरत भी नहीं थी मशीन की, सर्दियों में ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, तो इसलिए अभी संभलवा लेंगे। और कपड़े धुल लिए मैंने, तो चलेगा फटाफट से काम कर लेते हैं। तो गाइस इधर मैं कपड़े सुखाने के लिए डाल दे रही हूँ सुबह सुबह, और मैंने ये धुल लिए थे पहले से ही, और अपना मतलब सब कुछ कर लिया था, नहाना धोना हो गया था, कपड़े वपड़े हो गए थे, तो ये धुल लिए थे मैंने जल्दी ही, क्योंकि ना फिर धूप निकलती है थोड़ी देर से तब तक ये हवा में सूख जाते हैं, नहीं तो फिर शाम के टाइम डालते, दोपहर में नहीं डालते, क्योंकि हवा चलती है तो उड़ जाते हैं इधर उधर, और चिमटियाँ तो मेरे यहाँ ऐसे गायब होती हैं जैसे कि किसी के यहाँ चोरी हो जाती है, अयांश रखता नहीं है, उसका जो वो रहता है ना लोहे का जो जॉइंट पार्ट बोलते हैं, वो उसकी जो कील रहती है वो फेंक देता है नीचे, तो फिर कौन उठाने जाएगा। और ये देखो बाल्टी रखने गया है बाथरूम में। तो कई नाश्ता तो मना कर दिया था उन्होंने, और बोला कि दूध थोड़ा सा दे दो, तो मैंने ये मखाने और ये पिस्ता दूध में डाल के दे दिए थे, और सब्जी रोटी इन्होंने खा ली। तो गाइस ये मेरा सुबह 6 बजे से लेके 9 बजे तक का रूटीन था, इतनी देर में हम इतना ज़्यादा काम कर लेते हैं। और अब हमारा काम क्या है कि अयांश को थोड़ा मालिश वालिश करनी है और नहलाना है अयांश को, नहलाने के बाद उसको सुलाना है, बस इतना ही काम बाकी है, बाकी सारा काम हो गया है। गाइस आप लोगों को ब्लॉग कैसा लगा है प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा, अगर अच्छा लगा है तो मैं आपके साथ आगे जो 9 बजे से लेके 12 बजे या 2 बजे तक का जो ब्लॉग रहता है, जैसे टाइमिंग रहता है, रूटीन रहता है, वो हम शेयर करेंगे। तो इसके लिए आपको ये ब्लॉग पूरा देखना पड़ेगा, और ब्लॉग देखने के बाद कमेंट करिएगा। मिलते हैं हम नेक्स्ट ब्लॉग में।